बिहार में बढ़ते अपराध, मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामला व भोजपुर में आए दिन लगातार हो रहे आपराधिक वारदात के खिलाफ भाकपा माले का बिहार बंद का खासा असर भोजपुर में भी देखने को मिला। बंद का समर्थन भाकपा माले के अलावा राजद, कांग्रेस, हम पार्टी के समेत कई पार्टियों ने आरा रेलवे स्टेशन पर गुवाहाटी दादर ट्रेन को रोककर जमकर प्रदर्शन किया। हम चाहेंगे ऐसा जिला पंचायत सपीर कुमार जी अपनी बात को रखे। साथियों, एक सवाल कराकर बंद है जो लगातार बिहार के अंदर में एक देश के भीतर में किस तरीके से महिलाओं के ऊपर छात्राओं के ऊपर लगातार हिंसा बलात्कार की घटना घट रही है और सरकार मान और चुप्पी साधी हुई है। बलात्कारियों के लगातार सरकार पक्ष में खड़ी है, जो सकता है पक्ष में है। आप सोचिए, जहाँ बाल गृह में पूरे देख रहे। चलिए, आज भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, बिहार के तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से आज बिहार बंद है। बिहार बंद इसलिए है कि आपने देखा कि इस बिहार में बेटियां न तो सड़कों पर सुरक्षित है, न ही जो बालिका रिमांड होम बनाया गया है रिमांड होम में सुरक्षित नहीं है। अभी मुजफ्फरपुर में जो टीस की रिपोर्ट आई, उस टीस के रिपोर्ट में जिस तरह से मुजफ्फरपुर के बालिका रिमांड होम में बच्चियों के साथ हर रात बलात्कार होता था, और बलात्कारी कोई और नहीं बल्कि उसका निदेशक ब्रजेश ठाकुर और बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री के पति चंद्रशेखर वर्मा है। हमारी आज बिहार बंद के माध्यम से मांग है कि चंद्रशेखर वर्मा को बिहार की पुलिस अविलंब गिरफ्तार करे और समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को सरकार बर्खास्त करे और भाजपा के विधायक और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा को बर्खास्त किया जाए। और दूसरी बात यह है कि ब्रजेश ठाकुर का जो संबंध है वह संबंध नीतीश कुमार से डायरेक्ट संबंध है, और इस जांच के घेरे में नीतीश कुमार भी आ रहे हैं कि नीतीश जी ब्रजेश ठाकुर के बेटे के जन्मदिन के अवसर पर उसके घर जाते हैं, और जिस दिन ब्रजेश ठाकुर पर एफआईआर हुआ उसी दिन ब्रजेश ठाकुर को 100 करोड़ रुपया का नया एनजीओ का ठेका दिया गया। और यह साबित होता है कि नीतीश कुमार को भी मुजफ्फरपुर बालिका रिमांड होम की बलात्कारी घटनाएं पता था, लेकिन सरकार चुप थी। हम आज बिहार बंद के माध्यम से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हाई कोर्ट के देखरेख में किया जाए और बिहार के तमाम बालिका रिमांड होमों की जाँच हाई कोर्ट के जज के द्वारा कराया जाए। अब हम इस सभा को संबोधित करने के लिए बिहार के चर्चित किसान नेता, बिहार विधानसभा में तरारी से भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद को आमंत्रित करते हैं। सुदामा प्रसाद को लाल सलाम।